हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। हम देख रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर किस तरीके से प्रॉब्लम डिजाइन होते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज भी हम कुछ प्रॉब्लम ऐसे डिजाइन करेंगे, वहां पे भी तीन वेरिएशंस हम देखेंगे और किस तरीके से स्मॉल चेंजेस में भी मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा चेंज हो जाता है और उसमें काफी चेंजेस आते हैं। तो गाइज, आप लोगों को देखना है कि प्रॉब्लम को पहले, सबसे पहले तो पढ़ना है एंड समझना है कि उस प्रॉब्लम में बोला क्या गया है, एंड उसके बाद कुछ डिसीजन लेके उसकी डायग्राम जो है फाइनाइट ऑटोमेटा मुझे ड्रॉ करना है। लाइक उसके पहले गाइस, अगर आप ये लेक्चर्स अभी फिलहाल में देख रहे हो और अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वेल एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके से प्रॉब्लम्स और भी आते रहेंगे और उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मेल पे मिलेगा। देन हम अभी डिस्कस करते हैं मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से है। Construct a finite automata over the input alphabets A and B, where the string, देखिए input alphabet change नहीं हुआ है, input alphabets मेरा A और B ही है, where the string starts with A, मुझे ऐसे strings accept करनी है जो से A से start हो रही है। कहने से B से start होने वाले accept करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे मुझे language में strictly बोला गया है कि starts with A string होनी चाहिए। तो सबसे पहले language का set लिख लेते हैं कि इस language के set में क्या आएगा। तो starts with A बोला गया है तो सब definitely A तो आएगा ही, A तो definitely आएगा ही starting में। देन ए बी भी आ सकता है, ए ए आ सकता है, ए बी 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 ए आ सकता है, देन ए बी ए ए भी आ सकता है, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स आ सकती है गाइस, क्योंकि इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जो है वो ए से स्टार्ट हो सकती है। चाहे यहाँ पे लेंथ का कोई कंसिडरेशन नहीं है या लेंथ को मुझे कोई भी मायने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है ए से स्टार्ट होने वाली, ताकि लेंथ चाहे कितनी भी हो अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। इसके डायग्राम किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले मैं इनिशियल स्टेट ड्रॉ कर लेता हूं Q0। क्यू जीरो ड्रॉ करने के बाद मुझे देखना है कि मुझे स्टार्ट्स विद ए बोला गया है, अगर मेरी स्ट्रिंग जो है वो ए से शुरू हो रही है तो मुझे डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद मुझे कोई चेक करना है कि कंडीशन नहीं। तो दैट्स वाई क्यू जीरो पे अगर मुझे डायरेक्टली ए मिल रहा है तो मैं क्यू वन पे उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे स्टार्ट होने से मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। एंड लाइक ए के बाद कोई भी कैरेक्टर आए, चाहे बी आए चाहे ए अगेन रिपीट करे, मुझे उससे कोई लेना नहीं है, मुझे तो फाइनल स्टेट पे ही रहना है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ए और बी का सेल्फ लूप दे रहा हूं, ठीक है, ताकि एक बार ए आ गया तो मुझे उसको एक्सेप्ट ही करना है, उसको रिजेक्ट तो करना है नहीं। बट मान लो कि क्यू जीरो पे अगर बी आ जाता है तो उसे मुझे रिजेक्ट करना है। अभी रिजेक्ट करने के लिए मुझे नॉन फाइनल स्टेट पे जाना पड़ेगा। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लूप बी का दे देता हूं एंड उसके बाद अगर ए आ जाता है तो मैं फाइनल स्टेट में जा सकता हूं, बट स्ट्रिक्टली अगर मेरा फर्स्ट सिंबल मीन स्टार्टिंग सिंबल अगर बी है तो मुझे रिजेक्ट करना है एंड उसके बाद मैं कभी फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकता। और जब मेरा डिसीजन पक्का हो जाता है कि मुझे रिजेक्ट ही करना है, उसके बाद कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो सकता है, देन मुझे डेड स्टेट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहां पे क्यू जीरो पे मैं एक डेड स्टेट ड्रॉ कर लेता हूं बी पे। अगर मैं देख क्यू जीरो पे बी आता है तो मैं क्यू डी नाम के डेड स्टेट पे चले जाता हूं, और अगर मेरी मशीन डेड स्टेट पे चली जाती है तो गाइज इसके बाद मैं वापस से फाइनल स्टेट पे तो नहीं जा सकता, या वापस से इसके प्रीवियस स्टेट पे जाके मशीन को एक्टिवेट नहीं कर सकता, मशीन मेरी डेड स्टेट पे चली गई है। देन उसके बाद अगर कुछ भी आता है तो मुझे डेट पे ही रहना है, चाहे ए आए या बी आए मुझे डेट स्टेट पे ही जाना है। तो ये हो गई मेरी कंप्लीट फाइनाइट ऑटोमेटा। आप देख सकते होंगे कि हर एक स्टेट से ए एंड बी के एरो निकले हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हर एक इनपुट ट्रांजिशन पे मेरा एक ही ट्रांजिशन निकल रहा है। लाइक क्यू जीरो पे ए का एक ही ट्रांजिशन है, क्यू जीरो पे बी का एक ही ट्रांजिशन है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नाउ चेक करते हैं क्या ये मशीन मेरी सही है या नहीं। तो एक स्ट्रिंग ले लेता हूं ए बी ए बी। कहने से गाइस ये स्ट्रिंग जो है वो वैलिड है, क्योंकि ए से मेरी स्ट्रिंग शुरू हो रही है तो डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले मैं क्यू जीरो से स्टार्ट करता, ए मुझे मिल गया,
मैं क्यू जीरो पे ए देने पे क्यू वन पे जा रहा हूं, वहां पे मेरा पॉइंटर मूव कर दे रहा हूं। एंड उसके बाद क्यू वन पे अगर बी आ रहा है, मैं अगेन क्यू वन पे, पॉइंटर मेरा वहीं पे रहेगा। क्यू वन पे ए आने पे मैं अगेन क्यू वन पे ही रह रहा हूं, पॉइंटर मेरा वहीं पे रहेगा। देन क्यू वन पे बी आने पे मैं अगेन क्यू वन पे ही रह रहा हूं, तो पॉइंटर मेरा वहीं पे रहेगा। अगर पॉइंटर मेरा वहीं पे है एंड मेरा यही फाइनल स्टेट है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग जो है ये वैलिड है और ये स्ट्रिंग को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है स्टार्ट्स विद ए वाला प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ यहां पे कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एंड विथ ए। यहां पे गाइज मुझे स्टार्टिंग नहीं देखनी है, मुझे देखना है कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो ए से एंड हो रही है या नहीं। बट ए प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो दिक्कत कहां पे आएगी आप लोगों को समझ में आएगा। लाइक अगर मैं इसका लैंग्वेज बना ले रहा हूं, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या रहेगी, सिंगल ए, ए से एंड हो रहा है, स्टार्ट भी ए से हो रहा है बट एंड भी ए से हो रहा है, तो गाइज इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। एंड देन बी ए, देन ए ए, देन बी ए बी ए, देन वॉट एवर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स में यहां पे बना सकता हूं जो से एंड से ए से एंड हो। ठीक है, ए से एंड होने वाली मैं इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जो है वो बना सकता हूं। नाउ मुझे सबसे यहां पे जब भी प्रॉब्लम आता है और मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूं, तो सबसे पहले देखना कि छोटी स्ट्रिंग यानी सबसे कम लेंथ वाली स्ट्रिंग कौन सी है, और उसे एक्सेप्ट करने वाला सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो ऑप्टिमाइज्ड ऑटोमेटा बने। अब ये ऑटोमेटा को ऑप्टिमाइज किया कैसे किया जाता है, मैं आगे आने वाले लेक्चर्स पे इस पे डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए आप समझ जाइए कि जब भी आपको फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहला छोटी स्ट्रिंग जो भी है उसके लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, देन उसको हम बड़े स्ट्रिंग के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग है ए, तो मैं क्यू जीरो पे ए इनपुट दे के इसको एक्सेप्ट करवा लेता हूं। ठीक है, एक्सेप्ट करना मींस डबल राउंड। ओके, नाउ अगर ए से खत्म हो रहा है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे बताइए ए के पहले कुछ भी आने दे, कुछ भी बी आने दो, कितने भी नंबर ऑफ बी आए, मुझे क्या करना है उसको कुछ काउंट भी नहीं करना है, क्योंकि बी कितने भी आ सकते हैं, जैसे ए आया मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। दैट्स व्हाई क्यू जीरो का बी जो है वो मेरा सेल्फ लूप लगेगा, क्योंकि मुझे कोई भी मायने नहीं रखता आपका सबसे पहले बी कितने भी आए। अगर आप यहाँ पे डबल बी आने के बाद ए आता है, तो डबल बी यहाँ पे चलेगा एंड देन ए आने पर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे बी का मैंने सेल्फ लूप दिया है। नाउ अभी देखिए Q1 का A एंड B कहा जाएगा। यहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि देखिए मान लो कि मेरी स्ट्रिंग A B A B A है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, वन बाय वन कैरेक्टर को रीड करता है। दैट्स वाई तो मुझे जब भी A मिलेगा मैं फाइनल स्टेट पे जाऊंगा, बट B मिला तो मैं उसके बाद एट द एंड B मिला तो मैं यहां से डेड स्टेट पे नहीं जा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं डेड स्टेट पे चला जाता हूं तो मैं अगेन रिटर्न बैक मेरे मशीन पे नहीं आ सकता हूं। एंड B के बाद मुझे A मिल रहा है, तो कहना है गाइस मेरी जो स्ट्रिंग है वो डेड स्टेट में ही चले जाएगी, तो उसको मैं फिर वापस नहीं ला सकता हूं। तो यहां पे दिक्कत ये आती है कि किस तरीके से यहां पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, देखिए Q0 पे A दिया, मैं फाइनल स्टेट पे पहुंचा, मान लो कि A के बाद अगेन एक A आ गया, तो मुझे फाइनल पे ही रहना है, क्योंकि एंड्स विद तो फाइनल A ही है। दैट्स व्हाई मेरा Q1 का जो A है वो वही स्टेट पे आएगा, क्योंकि A के बाद कितने भी A आने दो, फाइनल स्टेट जो फाइनल जो है सिंबल वो ए ही रहने वाला है। बट Q1 पे अगर B आता है तो मुझे क्या करना है, मशीन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मशीन को फिर से शुरू करना पड़ेगा फाइनल A आ रहा है क्या चेक करने के लिए। दैट्स व्हाई Q1 से B मेरा जाएगा इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, Q1 से B मेरा जाएगा इनिशियल स्टेट पे।
ये बी क्यू इनिशियल स्टेट पे गया, क्योंकि मुझे जब कब एक्सेप्ट करना है, जब ए मेरा लास्ट में हो, ठीक है। दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे बी आ जाता है तो मुझे अगेन रिस्टार्ट करनी है मशीन, क्योंकि मशीन रिस्टार्ट करेंगे तभी जाके ए देखेंगे कि इसके बाद एंड में ए है या नहीं। ओके, दैट्स व्हाई ये जो है मूव, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दिस केस। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे बी को क्यू जीरो पे लगाया है। नाउ एक स्ट्रिंग लेके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ए बी ए ए बी बी ए। नाउ गाइस, दिस स्ट्रिंग इज वैलिड और इनवैलिड? दिस स्ट्रिंग इज वैलिड बिकॉज एंड विथ ए है। मैं यहां पे समझ लेता हूं कि किस तरीके से मेरे स्ट्रिंग को प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ए मुझे मिला, मैं ए से क्यू वन पे गया, मेरा पॉइंटर क्यू वन पे पॉइंट कर रहा है। नाउ क्यू वन पे मुझे बी मिला, क्यू वन पे बी मिला, मैं क्यू वन पे आ रहा हूँ, क्यू जीरो पे आ रहा हूँ, और क्यू जीरो पे आने के बाद मेरा ये जो पॉइंटर है ये क्यू जीरो पे मूव करेगा। नाउ क्यू जीरो से अगेन ए मिला, मैं क्यू वन पे जा रहा हूं, दैट्स व्हाई मेरा ये पॉइंटर जो है वो क्यू वन पे पॉइंट करेगा अभी। नाउ Q1 पे पॉइंट करने के बाद मुझे B मिल रहा है, तो अगेन मुझे वापस आना है, क्योंकि ये अगर एंड ऑफ द स्ट्रिंग अगर B है तो मुझे एक्सेप्ट करना है क्या? नहीं, मुझे उसको रिजेक्ट करना है। दैट्स व्हाई मैं पीछे आ रहा हूँ Q0 पे, मशीन को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाई? क्योंकि मुझे चेक करना है कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग A है या नहीं। दैट्स व्हाई तो मैं फिर से यहां पे आ जा रहा हूं, इस B को काट रहा मैं। देन इस B पे मुझे क्या करना है, Q0 पे अगर मैं B दे रहा हूं तो अगेन Q0 पे ही आ रहा हूं, दैट्स व्हाई पॉइंटर मेरा यहीं पे रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्या आ रहा है, A आ रहा है। Q0 पे A दिया तो मैं कहां जा रहा हूं, Q1 जा रहा हूं। तो Q1 पे अगर मैं जाता हूं तो मेरा एट द एट ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मेरा पॉइंटर कहां पे पॉइंट कर रहा है, Q1 पे। अगर Q1 पे ये पॉइंट कर रहा है मींस फाइनल स्टेट पे अगर ये पॉइंट कर रहा है तो मेरी स्ट्रिंग जो है वो वैलिड है। मैंने ऑलरेडी जब स्ट्रिंग लिखा था तब बताया था कि ये स्ट्रिंग वैलिड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, ए, और मुझे वही करना था, एंड विथ ए, स्ट्रिंग एंड विथ ए मुझे एक्सेप्ट करना था। तो गाइज ये जो स्ट्रिंग है ये करेक्ट है, ये जो स्ट्रिंग है ये लैंग्वेज को सेटिस्फाई करती है, और मेरा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये भी करेक्ट है। नाउ गाइज इसका आपके टपल्स लिखना आपको जरूरी आना चाहिए, आपको इसके टपल्स लिखते जाना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में टपल्स लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, और टपल्स आपको किस तरीके से लिखे जाते हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है। स्टिल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके टपल्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। टपल्स किस तरीके, फाइव टपल्स होते हैं, एक होता है क्यू, दूसरा होता है सिग्मा, देन डेल्टा, एंड देन Q0, एंड देन फाइनल स्टेट F। Q किस तरीके से लिखेंगे, सेट ऑफ स्टेट्स, Q0 एंड Q1 दो स्टेट है। देन सिग्मा, सिग्मा क्या है मेरा, A एंड B है। एंड देन डेल्टा, डेल्टा फंक्शन क्या होता है DFA में, Q इंटू सिग्मा गिव्स Q, ठीक है। ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। नाउ Q0, Q0 मीन्स इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है आपकी, Q0 ही है। देन F, F यानी क्या रहता है, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट कौन सी है आपकी, Q1, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे Q1 लिख रहा हूं, ठीक है। डेल्टा ट्रांजिशन किस तरीके से लिखे जाते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसको एक्सप्लेन किया गया है, अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे फॉलो कर सकते हो, वहां पे ये दिया गया है। लाइक गाइज आपको नोट्स भी इस सब्जेक्ट की मिल जाएगी आपको कमेंट सेक्शन में, या आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो मिल जाएगी इसके नोट्स के बारे में। तो नोट्स में भी ये काफी डिटेल में लिखा गया है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी लेक्चर जो सीरीज है वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बनाई है, दैट्स व्हाई हर एक क्वेश्चन के लिए मैं इतना सब कुछ नहीं लिख सकता हो, बट हाँ अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को ये लिखना जरूरी है। नाउ देखते हैं सी, सी टाइप में क्या बोला गया है, कंटेन ए।
अभी स्टार्ट्स विथ ए बोला है तो मेरी स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट होगी, एंड विथ ए बोला गया है तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो ए से एंड होगी। नाउ कंटेन ए मींस मेरे स्ट्रिंग में कहीं पे भी मुझे ए मिलना चाहिए, वो स्टार्ट में मिले, मिडल में मिले, एंड में मिले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट ए होना जरूरी है। कंटेन ए बोला गया है मींस ए होना जरूरी है, वो कहीं पे भी प्लेस डजंट मैटर राइट नाउ। नाउ किस तरीके से इसको लिखेंगे लैंग्वेज को, तो सबसे पहले आएगा ए, सबसे छोटी स्ट्रिंग तो ए ही रहेगी, देन बी ए, यहाँ पे भी ए आ रहा है, देन बी ए बी, यहाँ पे भी ए आ रहा है, देन ए बी ए, यहाँ पे भी ए आ रहा है, चाहे कहीं पे भी आए ए आना इम्पोर्टेंट है, देन बी बी ए बी, ठीक है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, ठीक है, तो जहां कहीं पे भी ए आ रहा है मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। तो गाइस ये भी जो है ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और अगर इनफाइनाइट है तो मैंने क्या बोला है, जब भी अगर जो लैंग्वेज है वो इनफाइनाइट है तो सबसे पहले छोटे स्ट्रिंग के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए, छोटे स्ट्रिंग के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के बाद उसको हम बड़े स्ट्रिंग्स के लिए बना सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटी स्ट्रिंग क्या है, सबसे छोटी स्ट्रिंग यानी जिसके लेंथ सबसे कम हो वो है ए, तो इसके लिए मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेता हूँ क्यू जीरो, ए इनपुट आया तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ये हो गया मेरा सबसे छोटे लेंथ के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, क्यू जीरो पे ए मिला मैं उसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। नाउ अगर देखिए फर्स्ट सिंबल बी भी आ सकता है, बट बी बी मुझे काउंट करना है क्या, नहीं, बी से मुझे कोई भी कंडीशन में उसकी हेल्प नहीं है, दैट्स व्हाई बी को मैं सेल्फ लूप लगा सकता हूं, चाहे कितने भी बी आने दीजिए पहले, जैसे मुझे एक सिंगल ए मिल जाता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, और कितने भी बी अगर मुझे यहाँ पे नोट डाउन करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेल्फ लूप लगा दे रहा हूं बी का, ठीक है, चाहे कितने भी बी आने दो, जैसे ए आएगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। मान लो कि एक ए आने के बाद, सिंगल ए आने के बाद चाहे कुछ भी आए, बी आए, ए आए, अगेन बी आए, ए आए, मुझे कुछ लेना है क्या, नहीं, क्योंकि एक बार अगर ए आ गया है, एक बार अगर ए आ गया है और मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया हूं तो उसके बाद मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जा रही है, क्योंकि मुझे क्या चेक करना है, सिंगल ए कंटेन है या नहीं, 10 ए हो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंगल ए है या कंटेन है या नहीं वे मुझे चेक करना है, और उसके बाद अगर कुछ भी आता है मुझे क्या करना है, उसको एक्सेप्ट ही करना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्यू वन पे ए एंड बी का सेल्फ लूप लगा दे रहा हूं, क्योंकि एक बार सिंगल ए आने के बाद मुझे काउंट नहीं करना है कितने ए आ रहे हैं कितने बी आ रहे हैं, और जी जो भी चीज मुझे काउंट नहीं करनी गाइस उसको मैं सेल्फ लूप दे सकता हूं, क्योंकि लूपिंग में मैं काउंट नहीं कर सकता, अगर जो भी चीज मुझे काउंट करनी है तो उस पर ट्रांजिशन देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट जो चीज मुझे काउंट नहीं करनी है वहां पे मुझे ट्रांजिशन नहीं देना है, वहां पे मैं सेल्फ लूप लगा सकता हूं, दैट्स व्हाई वहां पे काउंटिंग की जरूरत मुझे ना पड़े। अगर एक सिंगल ए आने के बाद कितने भी ए और कितने भी बी आए मुझे कोई लेना देना नहीं है, और दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक सेल्फ लूप लगा दे रहा हूं, दैट्स व्हाई ये जब भी एक ए आने के बाद कुछ भी आए मैं एक्सेप्ट ही करूंगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है गाइस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन ढूंढते रहना है। देखिए इस प्रॉब्लम्स में काफी कुछ वेरिएशन नहीं है, स्टार्ट्स विथ ए, एंड्स विथ ए, कंटेन ए, बट देखिए आप तीनों की डायग्राम जो है वो अलग है। तो गाइज यही पे ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी लैंग्वेज में चेंजेस हम कर लेते हैं तो कंप्लीट फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो चेंज हो जाता है, और वहां पे स्टूडेंट्स जो है वो काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं। दैट्स व्हाई गाइस लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी आप इसको
बनाई है। अगर आप सोचते होगे कि मैं ये सारे डायग्राम्स याद करके एग्जाम में जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फाइनाइट ऑटोमेटा के आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पे जाइए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जिसको मैं आपको रेफर करूंगा, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे उस वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और भी हम प्रॉब्लम्स इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उस प्रॉब्लम्स के नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल, सब्सक्राइब करना काफी इंपॉर्टेंट है चैनल, क्योंकि एक भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते इसके बाद का। सारे लेक्चर जो है वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थैंक यू।